अब हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है, इसकी जो डाटा है जो यहाँ से हम पास करेंगे, वो हमारा कंट्रोलर मेथड और हैंडलर मेथड इसकी डाटा को कैच करे एंड उसके बाद सेव कराए डाटाबेस में। तो नॉर्मली अगर यहाँ से हम कोई डाटा को एंटर करते हैं अभी के लिए, और यहाँ स्कोर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ सिंपली कुछ मार्क बाकी, जैसे हम सबमिट में हिट करेंगे तो यहाँ पर अभी सेव नहीं कर पा, डायरेक्टली अपने को एक्सेप्शन दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा अभी तक हैंडलर कोई भी ऐसा कंट्रोलर मेथड बनाया नहीं सेव करके। जैसे इस पर्टिकुलर आइएगा और यहाँ से स्टूडेंट कंट्रोल में दे, यहाँ देखिए कोई भी एक हैंडलर मेथड नहीं है जो सेव वाले पोस्ट मेथड को हैंडल कर सके। तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल पेज हमारा है, और यहाँ देखिए इसका एक्शन टाइप क्या है, स्लैश सेव है, और मेथड टाइप क्या है, पोस्ट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक हैंडलर मेथड कंट्रोल क्लास बनाना पड़ेगा, तो इससे इसकी रिक्वेस्ट जो है उसको वो कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या काम करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर पास आएंगे और यहाँ से एक सबसे पहले एक हैंडलर मेथड को बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे पब्लिक स्ट्रिंग, और इसको हम नाम दे देंगे इस मैटर का सेव स्टूडेंट करके हम इसको दे देंगे, ओके। और यहाँ जो हम पेज रिटर्न कराएंगे वो सेम एजिटिव रजिस्ट्रेशन पेज को ही रिटर्न करा देंगे, तो इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये क्या काम करेगा, स्टूडेंट पेज को सेव कराएगा। देन यहाँ पर ये जो पोस्ट मैपिंग टाइप हम यूज करें थे, यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट मैपिंग, और यहाँ पर स्लैश सेव करके था, तो यहाँ पर हम भी दे देंगे डबल कोट स्लैश सेव कर देंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा इसको कैच करके आएगा। देन वहाँ से अपने को स्टूडेंट लाइक आईडी जो जो वहाँ से आएगा, कोर्स नेम आएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद नेम आएगा एंड मार्क आएगा, उस सारे को बाइंड करना है किसके एंटिटी क्लास से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल एट्रीब्यूट जिस जो आना चाहिए ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेम वेब डॉट बाइंड एनोटेशन पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, और यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे स्टूडेंट के साथ ही बाइंड हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट का रेफरेंस लेंगे। देन यहाँ पर हम मॉडल ले लेंगे, ओके, और ये मॉडल जो ओ आर जी स्प्रिंग डॉट यू आई से आना चाहिए, देना यहाँ पर हम मॉडल का रेफरेंस ले लेंगे, ओके। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सर्विस इंटरफेस है आई स्टूडेंट सर्विस, इसकी हम यहाँ पर रेफरेंस एक मेथड सबसे पहले क्रिएट करेंगे। इस मेथड का क्या नाम रहेगा, हम सिंपली देते हैं पब्लिक इंट, और यहाँ पर देते हैं सिंपली सेव स्टूडेंट करके हम दे देते हैं, और ये मेथड जो है एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को हैंडल करे पैरामीटर, तो स्टूडेंट स्टूडेंट कर देंगे, इतना अपने को काम करना है। आप जो इंटरफेस है इसके एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास अपने को क्रिएट करना है, ओके। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं इस पैकेज पे सर्विस वाले पे, और यहाँ से न्यू पे आते हैं, देन यहाँ से क्लास पे आते हैं, और सिंपली सर्विस डॉट आई एम पी एल यहाँ पर देखेंगे, जैसे होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इस पर्टिकुलर सर्विस का। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट सर्विस, ओके, स्टूडेंट सर्विस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट सर्विस क्लास को क्रिएट कर लिए, और उस क्लास को एज ए सर्विस मार्किंग के अपने को यहाँ पर सर्विस एनोटेशन को यूज करेंगे, ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेम डॉट स्टूडियो टाइप से एनोटेशन आना चाहिए। देन जो हमारा आई स्टूडेंट सर्विस था उसको हम यहाँ से इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे आई स्टूडेंट सर्विस, और इसके पास एक मेथड है, इस मेथड को अपने को यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अनइम्प्लीमेंट मेथड को इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब जो हमारा ये रिपोजिटरी क्लास क्रिएट किया था उसको यहाँ पर हम ऑटो बाय कर लेंगे। तो रेपो पैकेज के अंदर देखिए स्टूडेंट रिपोजिटरी है, इसको हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, इसके पास ऑलरेडी ये सारा प्रीडिफाइंड क्रेड रिलेटेड मेथड है, उसकी हम यहाँ से हेल्प लेकर सेव कराएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं सिंपली स्टूडेंट वाले अपने सर्विस पैकेज में, स्टूडेंट सर्विस के अंदर आए, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे प्राइवेट, और यहाँ से लेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी, और यहाँ से हम रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी, उसको ऑटो वायर कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ से हम इसको ऑटो वायर दे देंगे, ऑटो वायर अपने को यूज करना है, ऑटो वायर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट से अनवांटेड एक्सपोर्ट को हटा देंगे। देन यहाँ से अपने को सेव ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन बिफोर सेव जैसे हम कराए तो अपने यहाँ पे स्टूडेंट पास देखिए एक वेरिएबल है परसेंटेज, अपने को परसेंटेज निकालना है डाटाबेस को सेव करना, क्योंकि अपने को जो फ्रंट एंड से तीन ही चीज़ मिलेगा, एक नेम मिलेगा, कोर्स मिलेगा, मार्क मिलेगा, लेकिन परसेंटेज अपने को इंटरनली कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम सेव कराए उससे पहले अपने को ये काम करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपली अपने पास स्टूडेंट पास मार्क्स है, तो सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स, और मार्क्स हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, और ओवरऑल जो मानते हैं कि 500 टोटल मार्क्स रहेगा, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं रहेगा, ऐसा अपने को कंसीडर करना है। और यहाँ से हम 500 से इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, ओके, और डिवाइड करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज टाइप मार्क है उसका क्या है, डबल टाइप वैल्यू है, डबल है, तो इसको डबल टाइप ही वेरिएबल में स्टोर हम कराएंगे। तो यहाँ से डबल ले लिए और परसेंटेज इक्वल टू ये हम दे देते हैं, तो ये परसेंटेज में हमारा चला जाएगा। अब जो ये परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट हुआ इसको अपने क्या काम करना है, देखिए
ऑटोमेटरी क्या है, सिंटेक्टिकल एरर आ रहा है कि इसको नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर उसको डिवाइड करना सबसे पहले। ओके तो ये डिवाइड हो गया। अब जो परसेंट है इसको स्टूडेंट में सेव करना मतलब सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट डॉट सेट परसेंटेज कर देंगे यहाँ पर, और परसेंटेज में पर दे देंगे, तो ये स्टूडेंट परसेंटेज पास हो गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप क्या काम कर इस पूरी लाइन को कॉपी करके डायरेक्ट आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, ये आप कहेंगे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल अपने को क्रिएट करने की नीड में। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अब अपने को क्या काम करना है, अब इस स्टूडेंट को सेव कराना, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी पास ऑलरेडी से ऑल करंट रिलेटेड मेथड डिफाइन है, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव कर देंगे। ओके और सेव किसको कराना है, तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे गेट आईडी, क्योंकि अपने को आईडी को रिटर्न कराना है, तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट जीरो ना रिटर्न करके डायरेक्टली इसके नंबर को कर देंगे रिटर्न, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे रिटर्न, तो ये क्या करें उसका पर्टिकुलर आईडी रिटर्न करके अपने को दे देगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है, मिक कैन नॉट जो टाइप इसकी है लॉन्ग टाइप है। ओके तो यहाँ पर अपने को लॉन्ग रखना पड़ेगा इसीलिए, क्योंकि स्टूडेंट की जो आईडी है वो क्या है लॉन्ग टाइप है, तो यहाँ से इसका हम रिटर्न टाइप भी क्या रखेंगे एज ए लॉन्ग रखेंगे स्ट्रिंग के बजाय। तो यहाँ पर हम सिंपली आते हैं इसको चेंज कर देते हैं एज ए लॉन्ग, और इसी तरह से इसको आई स्टूडेंट सर्विस है वहाँ पर भी जाकर इसको लॉन्ग कर देते हैं इंट के बजाय। ओके अब ये जो हमारा स्टूडेंट इस मेथड को है इसको हम क्या काम करेंगे, सर्विस से कॉल करेंगे डाटाबेस में सेव करने के लिए। ओके तो हम चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर पाथ, और सबसे पहले आई स्टूडेंट सर्विस को हम ऑटो वायर यहाँ पर भी कर लेते हैं आई स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ पर ले लेंगे हम स्टूडेंट सर्विस, और इसको भी हम सिंपली ऑटो वायर कर लेंगे, तो ऑटो वायर हो गया। ओके अब यहाँ सबसे पहले आप क्या काम करेंगे इसके सेव मेथड को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट, और यहाँ पर स्टूडेंट को पास कर दिए एक लोकल वेरिएबल में यहाँ ले लेंगे। ओके ये हो गया, देन यहाँ से एक हम मैसेज को क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग msg करके हम दे देते हैं सिंपली। ओके इक्वल टू यहाँ हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, और सिंपली उसके हम सेव वाले को यहाँ से पास कर देंगे। ओके तो यहाँ पर प्लस सिंबल लिखेंगे, और यहाँ से इसको दे देंगे, फिर डबल कोट लिखेंगे क्रिएटेड, यहाँ से एक मैसेज हो गया। अब जो ये मैसेज आएगा ये अपने को फ्रंट पेज पे भेजना है, तो कैसे भेजेंगे इस पाली स्टूडेंट रजिस्टर पेज पे, तो इसके लिए हम मॉडल की हेल्प लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ये वाला यूज करना मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्या है एक मैसेज रहेगा, इसका जो की रहेगा वो भी उसको हम एज ए मैसेज ही रखेंगे, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे msg और यहाँ पर कॉलन लगा देंगे। ओके तो देखिए ओवरऑल कंट्रोल यहाँ पर कैसे चलेगा, तो सिंपली यहाँ से क्या काम करेगा जैसे वहाँ से रिक्वेस्ट हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो ये अपना मेथड रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर करेगा स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू रहेगा उसको बाइंड कर देगा स्टूडेंट से, देन इस पर्टिकुलर सेम मेथड को कॉल करेगा, यहाँ से जाएगा आई स्टूडेंट सर्विस क्लास पास, देन इसको चेक करेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास पास जाएगा, देन उसका जो भी लॉजिक रहेगा यहाँ पर हमने जो भी लॉजिक डिफाइन किया उस लॉजिक को परसेंटेज निकालेगा, देन परसेंटेज को सेट कर देगा इस स्टूडेंट वेरिएबल में, देन यहाँ से सिंपली सेव ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और डाटाबेस में वैल्यू को सेव करा देंगे। तो यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आते हैं, और यहाँ देखिए थाइम नाम का हमारा डाटाबेस है। ओके और जो इसके पास टेबल कौन है स्टूडेंट अंडर ऐप अंडर क्रिएट, तो यहाँ पर आते हैं अपने डाटाबेस में सबसे पहले, तो सिंपली यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर एसक्यूएल योग के अंदर आते हैं, और एसक्यूएल के अंदर थाइम के अंदर आइए, और उसके स्टूडेंट ऐप के अंदर देखिए अभी तक यहाँ पर कोई भी इसके पास डाटा स्टोर नहीं हुआ, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने वेब पेज पर, तो यहाँ से इसको एक बार कैंसिल करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हम ऑटो डेव टू लगा रखा है तो ऑटोमेटिक चेंजेस वो डिटेक्ट कर लेगा जो भी हमने चेंजेस किए, तो यहाँ पर सिंपली नेम देते हैं, और यहाँ से हमने कोर्स दे दिया जावा, और कोई हम सिंपली मार्क दे दिए, और यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं, देखिए डाटा हमारा सेव हो गया। तो अगर हम चलते हैं डाटाबेस में और चेक करते हैं कैसे अंदर कोई डाटा बेस, उसको रिफ्रेश करते हैं, और देखिए यहाँ से आईडी इसका ऑन आ गया, जावा हम कोर्स में हमारा जावा आ गया, मार्क्स हमारा ये आ गया, नेम हमारा ये आ गया, और परसेंटेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हमने फ्रंटिंग से जो डाटा पास करे उसको अपने बैकेंड में सेव करा रहे, लेकिन उसके बाद अपने को एक मैसेज दिखाना, तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। ओके तो ये मैसेज कहाँ से हम पास कर रहे थे, तो इसके सिंपली आइए स्टूडेंट कंट्रोलर के पास, और यहाँ देखिए मैसेज पास करें msg। ओके जैसे डाटा सेव हुआ तो अपने को मैसेज भी मिल जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट html कहेंगे, और उसके फॉर्म टैग है उसके नीचे आ जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर एक डिव लगाएंगे सबसे पहले। ओके और इस डिव में यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे th colon text वेरिएबल एक्सप्रेशन लगा देंगे, तो डबल कोट दे देंगे डॉलर लगा देंगे, और यहाँ से
एमएसजी को पास कर देंगे। ओके, चाहते इसका जो भी टेक्स्ट वो अपने को सेंटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन सेंटर, अपने को सिंपली पास कर देना है, तो अपने को मैसेज भी आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे से हम सेव कर दिए। ओके, चलते हैं अगर अपने को फ्रंट पेज पे, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ से वो पुराना वाला हमारा आ गया। अगेन एक बार हम दूसरा नाम से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर नेम एज ए संगम देते हैं, कोर्स में एंगुलर दे देते हैं और समथिंग कुछ मार्क्स उनको पास कर देते हैं। और यहाँ सबमिट पे क्लिक के देखिए स्टूडेंट 3 क्रिएटेड, जो स्टूडेंट जो संगम क्रिएट हुआ उसका आईडी भी 3 होगा। तो अगेन चलते अपने डाटा बेस में और यहाँ से इसको सेव करते हैं और देखिए ये अपने को यहाँ से डाटा बेस में अपने को पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो हमने समझा कि कैसे हम फ्रंट एंड से डाटा भेजते हैं उसको बैक एंड में कैसे सेव करा सकते हैं इसके बारे में।